10 दिन तक चलने वाला गणेश उत्सव भारत में शायद अकेला फेस्टिवल है जिसका रिलीजन और कल्चर के साथ एक पॉलिटिकल भी बहुत डीप कनेक्शन है। आज जिस ग्रैंड फॉर्म में फेस्टिवल महाराष्ट्र और ऑलमोस्ट पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, द जॉय दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स इज समथिंग स्पेशल। इट्स मैजिक। वैसा हमेशा से नहीं था। इस त्योहार का ग्रैंड सेलिब्रेशन एक डिटेल्ड प्लान का हिस्सा था जिसकी वजह से आगे चल के हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, और ये प्लान बनाया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कैसे ये त्योहार इतना ग्रैंड बनाया गया और उसका आजादी से क्या लेना देना है, ये सारी चीजें एकदम डिटेल में आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। अरब सागर के तट पर बसी एक महानगरी जिस पर छाया है जोश महा उत्सव का। The lights, the festivities, the music, the singing, it truly feels like a blessing. 10 दिन, लाखों लोग, हर गली, हर नुक्कड़ पर धूम। ये सिटी कमाल की है, ये मैडनेस जो है बड़ी कमाल की मैडनेस है। गणेश उत्सव भारत में सेलिब्रेट किए जाने वाले सबसे बड़े फेस्टिवल्स में एक है। महाराष्ट्र में तो ऑलमोस्ट ये सबसे बड़ा फेस्टिवल ही है। इस 10 दिन के उत्सव में अलग अलग पंडाल में लोग गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। मुंबई में लाल बागचा राजा नाम से जो गणेश पूजा होती है उसके दर्शन के लिए लास्ट ईयर 1.5 करोड़ लोग पहुंचे थे। तो अलग अलग पंडाल के साथ पूरे महाराष्ट्र में इस पूजा का जो स्केल है ये आप एक बार इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हो। लोग अपने घर में भी बप्पा की मूर्ति को स्थापित करते हैं और 10 दिन बाद जब विसर्जन होता है तो इस वादे के कि बप्पा अगले साल फिर से आएंगे और हमारे साथ 10 दिन बिताने के बाद हमारे सारे विघ्न और बाधाओं को लेकर चले जाएंगे। लेकिन करीब 200 साल पहले ये उत्सव ऐसे सेलिब्रेट नहीं होता था, ना ही इतने बड़े लेवल पर विसर्जन होता था और ना ही अलग अलग जगह पर पंडाल लगाए जाते थे। लोग बस अपने घरों में ही छोटा सा पूजा का सेलिब्रेशन कर लेते थे। गणेश उत्सव के सेलिब्रेशन को रिवाइव करने में लोकमान्य तिलक जी के रोल पे जाने से पहले थोड़ा इस फेस्टिवल को अच्छे से समझ लेते हैं। हिंदुओं की कोई भी पूजा हो उसकी शुरुआत हमेशा गणेश जी से होती है। किसी भी शुभ काम का श्री गणेश भी इन्हीं के नाम के साथ होता है। शादी के कार्ड से दुकान के बैनर तक बप्पा की कृपा हर जगह विघ्न हरने के लिए बहुत जरूरी है। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के बेटे हैं और गणेश चतुर्थी को इनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इनकी मूर्ति स्थापित की जाती है और अगले 10 दिन तक गणेश उत्सव मनाने के बाद लोगों की सारी विपदाएं अपने साथ लेकर अगले साल वापस आने के वादे के साथ चले जाते हैं। गणेश जी को सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि जैन लोग भी मानते हैं। लेकिन गणेश उत्सव का पहला सबसे मेंशन देखने को मिलता है 250 BC पहले, जब मौर्यन राजा अशोक ने एक फेस्टिवल की शुरुआत की थी जिसका नाम था गजातम, यानी सिंपल वर्ड में द सुप्रीम एलिफेंट गॉड। मौर्यन एम्पायर के बाद 350 CE तक इंडो ग्रीक एम्परर कुशान के टाइम पर भी गणेश जी की पूजा होती रही। उनके रूल के अंडर ही आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भगवान गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई। उन्होंने अपने क्वाइंस पर भी गणेश जी के चित्र बनवाए थे। जब भारत के नॉर्दर्न पार्ट और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में कुशान एम्पायर रूल कर रहे थे तब लगभग उसी टाइमलाइन में सेंट्रल और वेस्टर्न भारत के मैक्सिमम पार्ट में, जो कि आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आप साइड देखते हो, यहां पर सातवाहन वंश का रूल था और कुशान एम्पायर की तरह इन्होंने भी गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दी थी। 5th और 6th सेंचुरी आते आते गणेश जी साउथ ईस्ट एशिया समेत चाइना, तिब्बत, जापान, ऑलमोस्ट हर जगह फैल चुके थे। इन सारी कंट्रीज में आज भी आप जाके देखो भगवान गणेश जी की आपको मूर्ति मिलेगी और लोग अलग अलग फॉर्म में उनकी पूजा करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इसके बाद भारत में बहुत सारे बारबेरिक इन्वेजन हुए। इन्होंने हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया, मंदिर तोड़े, मंदिरों की मूर्तियों का चेहरा तोड़ा और अलग अलग तरह से हमें अपने कल्चर से काटने की कोशिश करी। फिर आती है 17th सेंचुरी, जब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भगवा ध्वज लेकर बारबेरिक इन्वेजन के अगेंस्ट एक मोर्चा खोल दिया और मराठा एम्पायर को एक पावरफुल फोर्स की तरह एस्टेब्लिश किया। इन्होंने ही गणेश उत्सव मनाने की सबसे पहली शुरुआत करी थी। अभी तक के जितने भी किंग मैंने आपको बताया वो गणेश जी की पूजा करते थे, लेकिन जो गणेश उत्सव होता है गणेश चतुर्थी के दिन, वो मनाने की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने करी थी, क्योंकि गणेश जी उनके कुल देवता थे। सम्राट अशोक के बाद ये पहली बार ऐसा था जब गणेश जी से जुड़ा हुआ इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा था। और अगर ठीक से देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ही गणेश उत्सव की नींव रखी थी। शिवाजी के बाद आए पेशवा, जिन्होंने 105 साल तक महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में रूल किया। इन्होंने भी गणेश चतुर्थी के जो सेलिब्रेशन का ट्रेडिशन था उसको जारी रखा और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज फॉर्म भी लेता जा रहा था। लेकिन साल 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुई और उसमें पेशवा हार चुके
चुके थे तो महाराष्ट्र का जो कुछ भी हिस्सा उनके अंडर था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। भारत में अपने पूरे रूल के दौरान ब्रिटिशर्स लेट 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी तक सबसे ज्यादा पावरफुल रहे। इनके मन में जो कुछ आता था वो ये कर रहे थे। कोई भी पॉलिटिकल फोर्स या बड़ा एम्पायर इनके सामने टिक नहीं पा रहा था। इसी टाइमलाइन में ब्रिटिशर्स ने भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इन्होंने भी बारबेरिक इन्वेडर्स की तरह हमारे कल्चर पर हमला किया और उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करी। भारत में गुरुकुल के सिस्टम को बंद कर दिया गया और बहुत से रिलीजियस सेलिब्रेशंस पर रोक लगा दी गई। इन सारी चीजों का इम्पैक्ट गणेश उत्सव पर भी पड़ा। धीरे धीरे लोगों ने बड़े लेवल पर होने वाले इस सेलिब्रेशन को छोड़ दिया और कुछ डेकेड के बाद ये सेलिब्रेशन सिर्फ इंडिविजुअल फैमिलीज तक ही लिमिटेड रह गया, जिसे लोग अपने घर में करने लगे। और फिर एंट्री होती है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की, जिन्होंने अर्ली 1890s में इस फेस्टिवल को एक बार फिर से रिवाइव कर दिया। लेकिन बात यहाँ तक पहुंची कैसे और इस फेस्टिवल को रिवाइव करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए आपको लोकमान्य तिलक जी के साथ साथ उस टाइम पर महाराष्ट्र का जो माहौल था उसे भी समझना पड़ेगा। और इसके लिए चलते हैं 1893 से 36 साल पहले, यानी 1857 में, जब आजादी की पहली लड़ाई शुरू होती है, जिसके बाद कई पॉलिटिकल लीडर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रांगली खड़े होने शुरू हो जाते हैं। इससे सिर्फ एक साल पहले 23 जुलाई 1856 को उस टाइम के बॉम्बे के अंदर एक कोस्टल विलेज में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं बाल गंगाधर तिलक। 10 साल की एज में अपनी पूरी फैमिली के साथ पुणे शिफ्ट हो गए थे। 23 साल के तिलक साल 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में लॉ कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत करी। मैं जब भी किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ता हूँ तो बार बार मुझे यही पता चलता है कि उन्होंने लॉ की डिग्री कर रखी है। सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, वी डी सावरकर, ऐसा लगता है कि फ्रीडम स्ट्रगल कोई वकीलों की लड़ाई थी। और ऐसा क्यों है, इस पे भी एक दिन मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। खैर, अभी आते हैं साल 1884 में। तिलक जी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को शुरू करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा सके। तिलक जी का मानना था कि अंग्रेजों को हराने के लिए उन्हें समझना जरूरी है और उन्हें करारा जवाब देने के लिए उनकी भाषा पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने दो वीकली न्यूज़पेपर भी शुरू करे, एक केसरी जो मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होता था और एक दी मराठा जो इंग्लिश में निकलता था। इन दोनों न्यूज़पेपर से तिलक ब्रिटिशर्स की एक एक चाल को एक्सपोज करते थे। तिलक उन इंडियन लीडर्स को भी क्रिटिसाइज करते थे जो ब्रिटिशर्स के एजेंट बनके फ्रीडम मूवमेंट को कमजोर कर रहे थे, और इसी वजह से तिलक काफी तेजी से पॉपुलर होते चले गए। दूसरी तरफ 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बहुत ही कम टाइम में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और रिलीजन के लोग इसके मेंबर बन रहे थे और धीरे धीरे इन्होंने भी अपनी रैलीज निकालनी शुरू करी। अब ब्रिटिशर्स 1857 वाला रिवॉल्ट देख चुके थे तो 1890 आते आते इन्होंने 20 से ज्यादा लोगों की सोशल गैदरिंग को बैन कर दिया, और यही वो साल था जब तिलक जी ने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। तिलक जी ऑलरेडी एक एग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करने वाले लीडर्स थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स की इस नई पॉलिसी को वो अपने जूते की नोक पे रखते थे। तिलक इतने अग्रेसिव थे कि आगे चलकर 1907 में जब कांग्रेस स्प्लिट होती है मॉडरेट और रेडिकल ग्रुप्स में, तो उसके पीछे भी तिलक की एग्रेसिव आइडियोलॉजी ही एक बड़ा रीजन बनती है। खैर, अभी के लिए 1890s में वापस आते हैं। पूरे 1800s का टाइम ऐसा था जब हिंदू मुस्लिम राइट्स महाराष्ट्र और पूरे के पूरे देश में काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। 1809 में बनारस, 1871 में बरेली, 1885 से 87 के बीच में पंजाब और 1886 में दिल्ली के अंदर काफी मेजर राइट्स देखने को मिले थे। 1885 में कांग्रेस तो बन गई थी, लेकिन मुस्लिम लीडर्स को लग रहा था कि हिंदू मेजोरिटी वाले देश में अगर यही लोग सरकार बना लेंगे तो मुस्लिम्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। 28 दिसंबर 1887 को कांग्रेस के थर्ड सेशन में मद्रास के अंदर सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि हिंदू का रूल देश में आएगा तो मुस्लिम्स को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम के राइट्स बढ़ते जा रहे थे और महाराष्ट्र में सिचुएशन खराब होती चली गई। ये दंगे जूनागढ़ के प्रभासपट्टन से लेकर बॉम्बे तक फैल चुके थे। इन ज्यादातर राइट्स का रीजन था काउ स्लॉटर। तिलक इन दंगों के लिए ब्रिटिश सरकार को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन उस टाइम के बिकाऊ इकोसिस्टम ने हिंदूज और काउ स्लॉटर बैन एक्ट को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। तिलक इसके जवाब में लिखते हैं कि अंग्रेज जब पावर में नहीं आए थे तो देश में मराठा और सिख ऑलरेडी पावरफुल हो चुके थे और काउ स्लॉटर पर ऑलरेडी बैन लग चुका था, तो इन दंगों के लिए हिंदूज को और इस एक्ट को बैन करना बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने लिखा कि अंग्रेज मुस्लिम्स को भड़का रहे हैं और हिंदू बस सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं। तिलक चाहते थे कि हिंदूज और मुस्लिम इन दोनों का जो गुस्सा है वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेजों से लड़ने में यूज किया जाए, और अंग्रेजों को भी जब ये बात समझ में आई तो वो और ज्यादा डर गए। आजादी की इस लड़ाई में सारी प्लानिंग और शक्ति प्रदर्शन पब्लिक गैदरिंग से होता था। अंग्रेज इस पर बैन लगा रहे थे, लेकिन मुस्लिम्स मुहर्रम के टाइम पर पब्लिक गैदरिंग करते थे, हिंदूज भी इसमें शामिल होते थे, लेकिन जब इतने राइट्स हुए तो धीरे धीरे हिंदूज ने मुहर्रम में जाना बंद कर दिया। तिलक जी ने जब ये देखा तो उन्हें बिल्कुल सही नहीं लगा। उन्हें लगा कि हिंदूज तो ऐसे सोशल गैदरिंग से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो 1894 में इन्होंने दो चीजें शुरू करी। रायगढ़ में इन्होंने ग्रैंड लेवल में
शिवाजी उत्सव मनाना शुरू करा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी लोगों के बीच में एक भगवान की तरह पूजे जाते थे, इसीलिए इनके उत्सव में हर तबके के लोग शामिल हो रहे थे और ये आजादी की लड़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। इस बात को देखते हुए तिलक जी ने 1894 में ही गणेश उत्सव को भी एक पब्लिक फेस्टिवल की तरह मनाना शुरू कर दिया। तिलक जी ने इस फेस्टिवल को किसी कॉर्पोरेट इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। पूरे महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल की सोसाइटीज बनाई गई। तिलक ने यंग लोगों को बुलाया ताकि फेस्टिवल में सॉन्ग, डांस, जिम्नास्टिक के साथ तेज तर्रार स्पीचेस दे जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सके। इसमें कुछ यंग लोगों को बॉडीगार्ड की तरह भी रखा जाता था, जिससे कोई भी रायट्स या कोई भी अटैक की सिचुएशन को रोका जा सके। और यही वो टाइम था जब तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को लोगों के घरों से निकालकर एक पब्लिक फेस्टिवल बना दिया। लेकिन तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को ही क्यों चुना, इसके पीछे भी एक बड़ा सोशियो पॉलिटिकल रीजन है। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स रिलीजन के साथ साथ कास्ट को भी सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए यूज करते थे, जैसे आज भी कई सारे लोग करते हैं। इसीलिए तिलक ने ऐसे फेस्टिवल को चुना जिसमें हर कास्ट और हर क्लास के लोग पार्टिसिपेट कर सके। यही सेम चीज छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपने टाइम पर कर चुके थे और तिलक जी उन्हीं से इंस्पिरेशन ले रहे थे। और ऐसे में तिलक लोगों के बीच ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने मैसेज को आसानी से पहुंचा पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर तिलक जी के बढ़ते डोमिनेंस से ब्रिटिशर्स की नींदें उड़ी हुई थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इवेंचुअली 1897 में तिलक जी पर सेडिशन यानी राजद्रोह का एलिगेशन लगाया गया और 18 महीने के लिए इन्हें जेल भेज दिया गया। अंग्रेजों को लगा था कि इस एक्शन के बाद तिलक जी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां से तो सिर्फ उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल की शुरुआत थी, क्योंकि जब आगे चलकर बंगाल का विभाजन हुआ तब उन्होंने ब्रिटिशर्स के गुड्स को बॉयकॉट करने का एक मास मूवमेंट चला दिया, जो कि इवेंचुअली एक नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। और तिलक जी ने ही 1914 में होम रूल लीग को एस्टैब्लिश करते हुए ये कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक जी ने गणेश उत्सव के साथ साथ जो कल्चरल रिवाइवल किया है वो आज एक नेशनल सेलिब्रेशन बन चुका है। तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ एक छोटा सा थैंक यू तिलक जी के लिए भी बनता है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।